स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ इनवर्स प्रपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनवर्स प्रपोर्शन? इनवर्स प्रपोर्शन मीन्स देर आर टू थिंग्स, वन इज ए एंड सेकेंड इज अ बी। ओके, जेकर बेटा ए इनक्रीज कर रहे हैं, ऊपर एरो द मतलब ए इनक्रीज कर रहे हैं, तब बी की करेगा बेटा डिक्रीज करेगा। ओके, ए इनक्रीज then B will decrease, and if A will decrease then B will increase, and that is a increase. Okay, A ते B आपस किया बेटा inversely है। inversely means A is inversely proportional to B. Okay, A is inversely proportional to किया बेटा B. A इंक्रीज कर रहा है, B डिक्रीज करेगा। A डिक्रीज कर रहा है तो B की करेगा इंक्रीज कर रहा है। जो सिंपल जी गल है, ठीक है, अपने को बेटा 10 चपातीज है, खाने वाले किन्ने परसन है बेटा 5। ओके, 10 चपातीज है, खाने वाले परसन किन्ने है बेटा 5, तो हरेक परसन नु किन्नी आई है अपने को दो दो रोटियां। पर जे अपने को 10 चपाती है, खाने वाले किन्ने हो गए 10, तो हरेक नु किन्नी आई बेटा एक एक आई। ओके, मीनस ये की कर रहा है इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली की कर रहा है, चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है इनवर्सली। मतलब जे तो ए इनक्रीज होएगा तो बी डिक्रीज होएगा, जे बी ए डिक्रीज होएगा तो बी की होएगा बेटा इनक्रीज होएगा। एक उपर नु जाएगा, दूजा थले आएगा, जे एक थले नु जाएगा, दूजा की करेगा बेटा उपर नु जाएगा। दैट इज मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सो अवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, that is x and here y, 6, 24, 3, 48, 36, 4, 72 and 2. आप बेटा चेक करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, आप डायरेक्टली की किया सी बेटा, इस तरह लिखा सी 6/24, 3/48, उस तो बाद आप क्रॉस किया सी डायरेक्टली दे विच। इतने आप करा बेटा आपस के मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू कॉन्सटेंट। मतलब इन्हों की मल्टीप्लाई जो करिए आपस में सारे की, दैट शुड बी इक्वल टू द कॉन्सटेंट। लाइक 6 × 24, दैट इज 144, 3 × 48, दैट इज ऑल्सो 144, 36 × 4, दैट इज ऑल्सो 144, एंड हेयर 72 × 2, दैट इज ऑल्सो 144। देखो ऑल वैल्यू की आ रही है बेटा, सेम आ रही है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक्स ते वाई की कर रही है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपा की करांगे बेटा, आपस ची मल्टीप्लाई करांगे, x दी मल्टीप्लाई y नाल, x दी मल्टीप्लाई y नाल, x दी मल्टीप्लाई y नाल, x दी मल्टीप्लाई y नाल। देखो बेटा सारी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, पहले नू पहले नाल कीता 144, सेकंड नू सेकंड नाल 144, थर्ड नू थर्ड नाल कीता 144, फोर्थ नू फोर्थ नाल कीता बेटा 144। जे तां सारी वैल्यू इक्वल आ गई, दैट मीनस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, इज दैट क्लीयर बेटा? आपस दे विच ही मल्टीप्लाई करनी है, एंड एक्स मल्टीप्लाई वाई शुड बी अ कॉन्सटेंट। कॉन्सटेंट मीन्स फिक्सड वैल्यू, दैट शुड बी इक्वल टू द फिक्सड वैल्यू। देखो सारा नहीं, राइट साइड से फिक्स वैल्यू है बेटा, राइट साइड से वैल्यू की अपने को फिक्स है, सारे की है बेटा 144 144 144 एंड 144, ऑल आर इक्वल टू अ फिक्सड क्वांटिटी, दैट मीन्स दे आर वेरिंग इनवर्सली। इज दैट क्लियर टू एवरी वन बेटा? इज दैट क्लीयर टू एवरी वन? एक्स दी वाई नाल मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्टली, बेटा आप क्रॉस करते सी,
डायरेक्टली दे विच आपां इस तरह करते सी, हुण आपां इस तरह नहीं करना, हुण आपस च ही करना है। ओके आपस च मल्टीप्लाई कर देनी है सारे की। ओके दैट इज मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रपोर्शनल। इज दैट क्लीयर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इफ पी एंड क्यू आर इनवर्सली फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेबल। देर इज पी एंड क्यू, 320 दैट इज पी वन एंड वन, 5 एंड क्यू वन, पी टू एंड 6। बेटा देर आर 4 वैल्यूज गिवन, दीज आर कंप्लीट वैल्यू, दोवें वैल्यू गिवन है, इन्हों के बेटा एक वैल्यू गिवन है सैकेंड फाइंड करनी है, फर्स्ट वैल्यू गिवन है सैकेंड फाइंड करनी है, सैकेंड वैल्यू गिवन है फर्स्ट फाइंड करनी है। उन्हें क्या रखे बेटा की है, एक्स एंड वाई आर वेयरिंग इनवर्सली, मतलब इनवर्सली प्रपोर्शनल है, दैट मीन्स एक्स वाई शुड बी इक्वल टू द कॉन्सटेंट, मतलब एक्स ते वाई की मल्टीप्लाई करांगे दैट इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। तो आप इक्वल रखांगे बेटा इन्हों, पहला फर्स्ट नू सैकेंड दे इक्वल रखांगे, दैट इज 3 × 20 इज इक्वल टू P1 × 1। बेटा 3 × 20 इज इक्वल टू P1 × 1। सो 3 × 20 दैट इज 60। सो P1 दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को, 60 वैल्यू आ गई। ओके तो P1 दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे को, 60 आ गई। बेटा नैटवर्क तुहाडी प्रॉब्लम नहीं, सारे कितने प्रॉब्लम चल रही है, एयरटेल तो जियो का बुरा हाल होया पाया अजकल, बहुत खराब नैटवर्क चल रहा है। ओके नैक्सट, उस तो बाद किनू कंपेयर करांगे बेटा, फर्स्ट नू थर्ड दे नाल, फर्स्ट नू थर्ड दे नाल कंपेयर करो तो की आ गया बेटा, 3 × 20 इज इक्वल टू 5 × Q1। सो 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 60 इक्वल टू 5 Q1, तो Q1 किन्ना आ गया बेटा 60/5, सो दैट इज इक्वल टू 12। पहला बेटा P1 फाइंड किया 60 आ गया, Q1 किन्ना आ गया बेटा अपने को 12। नाउ अगेन लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, जो फस्ट है फस्ट नू किन्दे नाल कंपेयर करांगे बेटा, आपां फोर्थ नाल कंपेयर करांगे। ओके सो दैट इज 3 × 20 इज इक्वल टू 6 × P2, 3 × 20 इज इक्वल टू P2 × 6। सो दैट इज 60 इक्वल टू 6P2, सो P2 किन्ना आ गया बेटा 60/6, सो वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू 10। ओके आपा बेटा किनू कंपेयर करना है, फस्ट नू पहला फस्ट नू सैकेंड नाल कंपेयर किया, फिर फस्ट नू थर्ड नाल किया, फिर फस्ट नू फोर्थ नाल किया। ओके जेड़ी बेटा कंप्लीट वैल्यू गिवन है उन्हू कंपेयर करांगे बाकियां नाल, करना किवें है आपस विच मल्टीप्लाई करके इक्वल रख देना है। देखो 3 × 20 इज इक्वल टू P1 × 1, दोवां दे विचाले इक्वल रखना है, क्योंकि लास्ट में आप पढ़िया सी एक्स वाई का दे इक्वल है बेटा कॉन्सटेंट दे इक्वल है। ओके इज दैट क्लीयर बेटा? बेटा आप की करना है, कंप्लीट वैल्यू नू बाकी सारे दे इक्वल रखांगे, तो बाकी वैल्यू की करांगे फाइंड करांगे। ओके बेटा की करांगे, देखो पहले दोवां नू आपस विच मल्टीप्लाई करांगे, 3 × 20 इक्वल टू P1 × 1, पहला P1 कढ़िया, फिर बेटा फस्ट नू थर्ड नाल कंपेयर किया, लास्ट विच फस्ट नू बेटा फोर्थ नाल कंपेयर किया, जिवें आपां बेटा कल कंपेयर किए सी, कल आपां क्रॉस मल्टीप्लाई की सी, अज क्रॉस नहीं करनी आपस च करनी है, पी नू क्यू नाल इधर मल्टीप्लाई, इस तरह मल्टीप्लाई। ओके हाँ जी बेटा, इज दैट क्लीयर? एक दी जगह जे दो या तीन हुंदा बेटा, जे इत्थे दो हुंदा आपां इत्थे दो लिख देंदे, जे इत्थे मान लो दो हुंदा तां इत्थे दो लिख देंदे, तीन हुंदा तीन लिख देंदे। ओके जेड़ी वैल्यू उस तरह आपां लिखांगे। ओके अगले क्वेश्चन देखो फिर समझाउणगे सारे। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहे हैं बेटा, एक्स
varies inversely as y cube if x is equal to 16, when y is equal to 4, find x when y is equal to 2. देखो बेटा, अपन गिवन है x and y power 3. ये दो वैल्यू गिवन है, ओके? x दी वैल्यू कितनी है 16, तब y दी वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 power 3, क्योंकि y दी वैल्यू 4 गिवन है, तब पावर कितनी आई बेटा 3. उस तो बाद x दी वैल्यू अपन फाइंड करनी है, y दी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 2. देखो y दी पावर 3 है तब 4 दी पावर 3 आएगी, y दी पावर 2 3 है तब इथे भी 2 दी पावर भी 3 आएगी. ओके बेटा, पावर सेम आएगी, अपन y दी वैल्यू गिवन है पहले केस च 4, सेकंड केस च y दी वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो जिथे y है उथे 4 भरया पावर 3 आ गई, सेकंड केस च y दी वैल्यू 2 है पावर सेम आएगी दैट इज 3. तो अपने कोल की बन गया बेटा 16 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 इज इक्वल टू x इनटू मल्टीप्लाई 2 पावर 3. ओके 16 नू मल्टीप्लाई कीती 4 पावर 3 नाल, इधर मल्टीप्लाई करनी है इधर आपस च मल्टीप्लाई करनी है. ओके 16 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 पावर 3. सो 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. 4 पावर 3 मींस 4 इनटू 4 इनटू 4 दैट इज 64. 2 पावर 3 मीनिंग 2 इनटू 2 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. नाउ 64 इनटू 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू की आ गया बेटा x, क्योंकि जो x मल्टीप्लाई च है लेफ्ट साइड से आगे की होएगा बेटा डिवाइड होएगा. जब उन्हें कैंसिल किया आपा तो कितने से कैंसिल हो गया 2 से. नाउ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 64, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 128. ओके सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 128. इज दैट क्लियर? हां जी बेटा क्लियर है सारे नु बेटा? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हुण बेटा एक चीज ध्यान रखो बेटा, जे क्वेश्चन दे विच डिस्टेंस ते टाइम गिवन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जे डिस्टेंस ते स्पीड गिवन है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके जे क्वेश्चन दे विच स्पीड ते टाइम गिवन है, स्पीड एंड टाइम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये चीज खास ध्यान रखनी है बेटा, डिस्टेंस ते टाइम गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ते स्पीड गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये स्पीड ते टाइम दे केस आ गया तो केड़ा बेटा अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके अपने को की आ गया बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हुण क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, A car takes 2 hours to reach its destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when car travels at the speed of 80 km per hour? बेटा सिंपल जी गल है, इस पॉइंट तो इस पॉइंट ते जाना है, जेकर ता 60 दी स्पीड ते जाएगा तो उन्हों 2 hours लगदे आ, पर बेटा जे 80 दी स्पीड ते जाएगा, ज्यादा स्पीड ते जाएगा ता टाइम आपा की है बेटा पता करना है. ओके सिंपल जी गल है, जे आप तेज तुरंगे तो घट टाइम लगेगा घर तक पहुंचन लग्या, जे आप हौली हौली चलांगे तो घर तक जान लग्या आपां नूं की है ज्यादा टाइम लगेगा. दैट मीनस इट इज अ केस ऑफ इनवर्सली प्रपोर्शनल. केड़ा केस है बेटा अपने कोल इनवर्सली प्रपोर्शनल? तो देखो आप किवें सॉल्व करांगे इहनूं, आपां नूं दो चीज़ां गिवन है, फस्ट इज स्पीड, स्पीड कादे विच है बेटा किलोमीटर पर आर, सेकेंड अपन नूं की गिवन है बेटा टाइम, टाइम कादे विच है आर दे विच. पहला स्पीड किन्नी सी बेटा 60, टाइम किन्ना लग रहा सी उहनूं 2,
उस तो बाद स्पीड कितनी होगी बेटा 80, टाइम कितना लग रहा उन्हों x, लेट x बी द टाइम, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। बेटा जरूर दसना डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है, क्वेश्चन दे जरूर डिफाइन कराया करो केस डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो हम की करांगे बेटा इन्हों आपस मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 60 नू बेटा 2 नाल मल्टीप्लाई कीती, 80 नू एक्स नाल कीती, सो दैट इज 120 इक्वल टू 80 इंटू एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिवाइड बाय 80, जीरो नाल जीरो कैंसल, सो 12 बाय 8 जे आपां नू कट दिए तो कितना आ गया 3/2 आवर्स, कितना लग गया बेटा टाइम उन्हों 3/2 आवर्स, दैट इज डेढ़ घंटा 1.5 आवर्स, जिन्हों आपां पंजाबी कहने डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे दे विच की हो बेटा घरे पहुंचेगा। ओके इज दैट क्लीयर बेटा, जिन्हों समझ नहीं आ रहा डिसलाइक करी जांदा। हाँ जी बेटा क्लीयर है बेटा, इज दैट क्लीयर और नॉट, आई होप सारे नू क्लीयर हो गया होगा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है बेटा, रितु साइकल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हर 20 मिनट टू रीच द स्कूल, इफ शी वॉन्ट टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट वट शुड बी द एवरेज स्पीड। हम देखो बेटा क्वेश्चन की कह रहा है, साइकिल से स्कूल जा रही है, जे तो वह क्या 12 की स्पीड से जाती है तो 20 मिनट लगते हैं, पर उन्हें की 15 मिनटों में स्कूल पहुंचना है तो उन्होंने किन्ने की स्पीड से चलना चाहिए, तो आप लिखांगे बेटा स्पीड, स्पीड कादे विच है बेटा किलोमीटर पर आर, टाइम कादे विच है बेटा मिनट विच, आप मिनट विच रहन दिता, चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि दोवें टाइम मिनट विच है, जे थोड़ा चेंज हुंदा एक घंटिया विच हुंदा एक मिनटा विच हुंदा फिर आप चेंज करना पैना सी, पर आप दोवां दी क्वांटिटी की सेम रखी, सॉरी यूनिट्स दोवां दे सेम है, दोवें की है मिनट विच है। पहला स्पीड कितनी है बेटा 12, मिनट कितने लग रहा उन्हों 20, फिर बेटा मिनट कितने लगने चाहिए 15, स्पीड कितनी होगी बेटा x, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आर, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, केड़ा केस है बेटा इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। ओके सो मल्टीप्लाई करो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके नाउ 12 इंटू 20 कितना हो गया बेटा 240 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, तो बेटा एक्स कितना आ गया 240 बाय 15, सो एक्स इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आर, मतलब उन्हें स्पीड की करनी पेगी बेटा इनक्रीज करनी पेगी जे उन्हें स्कूल की है जल्दी पहुंचना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए बेटा 16 किलोमीटर पर आर, इज दैट क्लीयर। हाँ जी बेटा इज दैट क्लीयर और नॉट, आई होप सारे नू क्लीयर हो रहा है। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैस्टल। हुण बेटा देखो क्वेश्चन की है अपने कोल, कोई किसान है उनके कोल 20 पशु है,
ठीक है, भी उनके को एनीमल है, 6 दिन उन्हें खाना खवा सकता आराम नाल, 6 पशु मतलब 20 पशुओं को, पर उस तो बाद क्या होया 10 एनीमल होर आ गए, तो टोटल एनीमल कितने हो गए बेटा 20, पहला सी 10 होर आ गए तो कितने हो गए 30, हुण पशु ज्यादा है तो दिन की होंगे बेटा डिक्रीज होंगे। ओके, जे मान लो पशु ज्यादा हो गए तो दे की होंगे बेटा डिक्रीज होंगे, तो केड़ा केस है इनवर्स प्रपोर्शन है, तो आप लिखांगे नंबर ऑफ एनीमल, नंबर ऑफ एनीमल्स हेयर नंबर ऑफ डेज, पहला एनीमल किन्ने सी बेटा 20, किन्ने दिन खाना चलता सी 6, उस तो बाद किन्ने हो गए एनीमल 30, डेज किन्ने रह गए बेटा एक्स, इत्थे लिख दियो 10 मोर कम्स, 10 बेटा होर आ गए, चीज आपां जरूर लिखांगे डिफाइन करांगे 10 कित्थों वधे, तो आपां लिख दांगे 10 एनीमल होर आ गए। ओके, सो लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स डेज, नंबर ऑफ डेज किन्ने है बेटा एक्स डेज, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, केड़ा केस है बेटा अपने को इनवर्स प्रपोर्शन का केस है, तो आप किवें करांगे बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो 20 इंटू 6 दैट इज 120 इक्वल टू 30x, तो बेटा x कितना आ गया 120 बाय 30 दैट इज इक्वल टू 4 डेज, मतलब 4 दिनों के विच खाना की हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर कढ़िया सिदक माहल 4 आंसर कढ़िया, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर पता किया बेटा शाबाश, हाँ जी बेटा क्लीयर है सारे नू, हाँ जी बेटा क्लीयर है, बेटा क्लीयर है या नहीं सारे नू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की कह रहा है, देखो बेटा इफ 20 शीप कैन ग्रेज अ फील्ड इन 30 डेज हाउ मैनी शीप विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 15 डेज, हम देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, पहला अपने को 20 भेड है 30 दिन के घा चर सकती जिन्ना भी है, उस तो बाद की है कहना कि भेडा होर लेके आईए कि 15 दिन के आप खत्म कर दिए। ओके, तो आप लिखांगे इतने नंबर ऑफ शीप, इतने आ गया नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ शीप कि पहला 20, डेज किन्ने लग रहे हैं बेटा 30, उस तो बाद डेज किन्ने हो गए 15, नंबर ऑफ शीप की हो गया बेटा एक्स, लेट नंबर ऑफ शीप बी एक्स, शीप कि हो गया बेटा एक्स, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, सो 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 15, 20 इंटू 30 दैट इज 600 इज इक्वल टू एक्स इंटू 15, तो बेटा एक्स कितना आया 600 बाय 15 दैट इज इक्वल टू 40, सो नंबर ऑफ शीप कितना हो गया बेटा 40, किनिया शीप हो गया बेटा टोटल अपने को 40, वेरी गुड प्रभ सिमरन, हाँ जी बेटा क्लियर है बेटा, नंबर ऑफ शीप किनिया हो गया बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है बेटा, इट टेक्स 3 शेफ्स 120 मिनट टू कुक अ फूड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ गेस्ट, इफ द फूड इज टू बी कुक्ड इन 90 मिनट हाउ मैनी मोर शिफ्ट शेफ आर नीडेड, देखो बेटा क्वेश्चन की कह रहा है, पहला 4 सिगे अपने को खाना बनाने वाले, तो 2 घंटे के खाना बना रहे हैं,
उस तो बाद कहना 90 मिनटों में खाना आपको तैयार चाहिए तो किन्ने शेफ लगनगे, तो आप लिखांगे नंबर ऑफ शेफ हेयर टाइम कादे विच है बेटा अपने कोल मिनटों में याद रखना बेटा यूनिट जरूर लिखने है, टाइम कादे विच गिवन है मिनट में। पहला 3 शेफ है, टाइम कितना लग रहा है 120, फिर टाइम कितना लगना चाहिए 90, नंबर ऑफ शेफ कितने है बेटा एक्स। लेट नंबर ऑफ शेफ बी एक्स, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेटा देखो किवें आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 90, सो 360 इक्वल टू 90x। तो बेटा एक्स कितना आ गया 360 बाय 90, सो नंबर ऑफ शेफ इज 4। सो नंबर ऑफ शेफ इज इक्वल टू 4, चार शेफ लगनगे बेटा जे खाना की आप 90 मिनट में बनाना। बेटा बच्चे छड के जा रहे काफ़ी, कभी तो 25-26 के पहुँच जाते हैं, ओनली 14 आर वॉचिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 45 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 35 मैन डू इट। बेटा 45 मैन है, पहला की है बेटा 45 परसन है जो 49 डेज काम कर रहे हैं, उस तो बाद की है नंबर ऑफ परसन किन्ने रह गए अपने को 35। तो बेटा आप डे पता करना है किन्ने दिन काम खत्म होएगा, तो आप लिखांगे नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ परसन। पहला बेटा 45 परसन सी, नंबर ऑफ डे किन्ने सी एक्स, उस तो बाद नंबर ऑफ परसन 35, सो नंबर ऑफ डे कितना हो गया बेटा एक्स। लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 49 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 35, सो बेटा कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 45 डिवाइड बाय 35। तो बेटा इनू कैंसल करो, देखो कैंसल करोंगे तो आप 7 दे टेबल ते, सॉरी 5 दे टेबल ते, इतने कितना आ गया 7, इतने कितना आ गया बेटा 9, 7 7 जा 49, सो 9 7 जा दैट इज 63 डेज। तो बेटा टोटल किन्ने दिन लगनगे इन्हां नूं 63 डेज। ओके सरगुण आफ्टर 5 मिनट स्क्रीनशॉट ले ली लाइव चैट दा, ओके सरगुण आफ्टर 5 मिनट जो मैं कहाँ उदो स्क्रीनशॉट लेना, 2-3 स्क्रीनशॉट लेने, सारे बच्चे अपना नेम लिखणगे, ओके जो छड के जा चुके हैं उन्होंने एबसेंट लावांगे, ओके आफ्टर 5 मिनट मैं तुम दसूंगा जो क्वेश्चन खत्म हो गए उदो सारे ने अपना नेम जरूर लिखना, ओके। नैक्सट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है बेटा, एन आर्मी रेजिमेंट हैज प्रोविजन फॉर 300 शोल्जर्स फॉर 80 डेज, आफ्टर 10 डेज 50 शोल्जर्स मूव आउट ऑफ द रेजिमेंट, हाउ लॉन्ग द फूड लास्ट एट द सेम रेट। देखो पहला बेटा की है क्वेश्चन दे विच अपन की कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आर्म मतलब सोल्जर किन्ने 300 फौजी ने
खाना किन्ने दिन लिया बेटा अपने को 80 डेज के वास्ते। उस तो बाद की है बेटा आप 50 जने छड़ के गए चले छुट्टी से गए चले आप दसना खाना किन्ने दिन चल सकता सी। तो देखो बेटा आप लिखांगे नंबर ऑफ सोल्जर्स हेयर नंबर ऑफ डेज पहला किन्ने सी बेटा 300 तो खाना किन्ने दिन का सी बेटा 80 उस तो बाद किन्ने रह गए बेटा 50 क्यों सॉरी 250 50 मूव्स आउट आप रीजन लिखांगे 50 मूव्स आउट नंबर ऑफ डे किन्ना आया बेटा एक्स लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन ओके सो दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो बेटा एक्स कितना आ गया 300 इंटू 80 डिवाइड बाय 250 जीरो नाल जीरो कैंसल 65 जा 30 इधर कितना आ गया बेटा 55 जा 25 नाउ 5 नू 80 से कैंसल किया कितना आ गया 16 सो 6 इंटू 16 दैट इज 96 डेज तो बेटा खाना किन्ने दिन चल सकता सी 96 डेज ओके तो खाना बेटा किन्ने दिन चल सकता है 96 डेज इज दैट क्लियर बेटा हाँ जी बेटा इज दैट क्लियर ओके बेटा जल्दी नेम लिख दो अपने जल्दी जल्दी नेम लिख दो सारे बच्चे बेटा जल्दी अपना नेम लिख दो सरगुण स्क्रीनशॉट ले ली सारे दे सो टमोरो एट सेम टाइम कल बेटा थोड़ी क्लास नहीं है पर आप क्लास लवेंगे ओके टमोरो एट सेम टाइम वी विल कंप्लीट 10.3 दो दिन कंप्लीट होएगी बेटा एक दिन नहीं लगना दो दिन लगेगा टमोरो एट सेम टाइम नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क ओके कल क्लास लगेगी बेटा टॉपिक है टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास ओके बाय कल मिलते हैं बेटा अपने कमेंट जरूर कर दियो अपने नेम ओके वीडियो थले कमेंट जरूर कर दियो ओके बाय